धमकाने के आरोपी फारशद ताहिर हुसैन ने गुरुवार को रोज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर की कोशिश की, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। ताहिर ने कड़कड़ डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दंगे में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। ताहिर पर 28 फरवरी को पुलिस ने केस दर्ज किया था। अग्रिम जमानत अर्जी में ताहिर ने कहा कि 24 फरवरी को जब भीड़ ने एक फैक्ट्री पर हमला किया तो पुलिस ने फैक्ट्री के पास स्थित मेरे मकान का मुआयना किया था। इस दौरान एसपी क्राइम और कुछ अन्य अधिकारी मौजूद थे। फैक्ट्री और घर दोनों बंद थे और चाबियां पुलिस को दे दी गई थी। 24 फरवरी की पूरी रात और 25 फरवरी का पूरा दिन में अपने दोस्त के घर पर था। 25 फरवरी को सुबह 8:30 बजे कुछ कपड़े लेने के लिए थोड़ी देर के लिए घर गया था, लेकिन घर के सामने भीड़ जमा थी इसलिए ऐसा नहीं कर पाया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने मुझे सलाह दी कि यहां से चले जाओ। हिंसा के बाद पार्षद ताहिर के घर की छत से ईंट पत्थर गुलेल और हिंसा के लिए उपयोग में लाए जा सकने वाले सामान मिले थे। उसके घर में तेजाब को बोतलों में भरकर रखा गया था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि उसके खिलाफ दिल्ली के दयालपुर पुलिस थाने में धारा 302 के तहत FIR दर्ज है। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 531 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 47 आर्म्स एक्ट के तहत हैं। 1647 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। भाई हमने आज एक एप्लीकेशन लगाई थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की ताहिर हुसैन की तरफ से, क्योंकि ताहिर हुसैन को मालूम पड़ा कि दो मुकदमे और भी दर्ज हो गए उनकी साइड। जैसा हमने एप्लीकेशन सुनी, स्टेट को नोटिस करा, पीपी साहब ने अपनी सबमिशन दी, पीपी साहब ने कहा वो एप्लीकेशन हमारी 2 बजे के लिए रखी गई, 12:30 बजे हमने फाइल करी थी। 2 बजे जज साहब ने हमको भी सुना और पीपी साहब को सुना जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और SIT की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी। पीपी साहब ने कहा कि हमको ऑब्जेक्शन नहीं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं तो हमको इसको ज्वाइन करने देंगे, हम इसको एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं ना ही अपोज कर रहे हैं। जज साहब ने हमारी भी सबमिशन सुनी है, पीपी साहब की भी सुनी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हम इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जज साहब ने एक इशू उठाया था कि जो एप्लीकेशन लगाई है जुडिक्शन का इशू है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें, लेकिन ये एप्लीकेशन हमारी उसको मेंटेनेबल है या नहीं है उसको जुडिक्शन के ऊपर। जज साहब ने उसको नहीं माना, लेकिन फिर बाहर कोर्ट के हमने उनको ताहिर हुसैन ने सरेंडर किया और उनको बताया, उनको वो चाहते थे कि देखिए मैं झूठा फंसाया गया हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं सच को सामने लाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं सवाल जवाब जो भी होंगे मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूं। सर अब क्या इसका आगे का क्या कोर्ट में ये अपील लगा रखे थे एंटीसिपेटरी बेल, देखिए राउज एवेन्यू आके सरेंडर करना, एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी वो एक मुकदमे के लिए थी, बाद में पता लगा कि 2 मुकदमे और भी दर्ज हो गए हैं, तो इसलिए वो एंटीसिपेटरी बेल उसके लिए हमारे को मेंटेनेबल नहीं होती, हमें और दोबारा लगानी पड़ती क्योंकि 2 मुकदमे और भी दर्ज हो गए थे। तो उनको सरेंडर इसलिए करना था कि मैं सच का साथ देना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन को जॉइन करना चाहता हूं, जो सच सामने आए, सच क्या है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ताहिर हुसैन को ढूंढ रही थी, वो आ नहीं रहे थे, उनका फोन बंद आ रहा था, ऐसे में कोर्ट में आके सरेंडर करना नहीं, देखिए ना तो ना परिवार और उनकी जान माल की हानि ना हो जाए, उनका खतरा था उनको, जो खतरा हमने कल भी फेस किया ना, तो वो भाग रहे थे। उन्होंने कमिश्नर साहब को एक मेल भी करी थी कि सर जब भी आप बुलाएंगे, जब भी कहेंगे मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूंगा, जो भी सच है मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 27 फरवरी को एक कंप्लेंट भी भेजी थी कमिश्नर साहब को कि सर सारे फैक्ट्स ये हैं, मैं घर पे था, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने, और देखिए कोर्ट है, कोर्ट फैसला करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, सच सामने आएगा। अभी अरेस्ट कर लिया है, अब अरेस्ट कर लिया है उनको, उन्होंने सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। जावेद अली, बहुत ही जल्दी जो है सारी सच्चाई लोगों के सामने आ पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, न्याय जांच पे जो है पूरा यकीन है, बशर्ते सारी जांचें ईमानदारी से हों। और मैं बार बार बस इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूँ, मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। इस बात की गवाही खुद हमारे पुलिस के आला अधिकारी दे पाएंगे। बस मुझे किसी भी साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया ना जाए, मुझे कोई ऐसी दुर्भावना ना रखी जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम ताहिर हुसैन है। जैसा कि मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि एक एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।